हमारे जहाज दो हिंदुस्तानी जहाजों को घेर कर ले आए। अरे ये क्या, हिंदुस्तानी पायलट जहाज निकले, वो अपने जहाजों को लेकर भाग गए। मकान थे और अनगिनत बंकर, सारे का सारा गांव खंडर हो गया है, मरकट हो गया है। तुम यहां कैसे आए? इमदादी टोली के साथ गांव से निकला था और आगे मोर्चे तक भी गया। घर घर ने जो खाना बना कर दिया था उसे मुसीबत के मारे लोगों को दिया और जवानों ने भी खाया। अपना गांव यहाँ से कितने दूर है? 4 मील। हम लोग वापस लौट रहे थे कि दुश्मन के हवाई जहाजों ने दरिया का पुल उड़ा दिया। सोम और मंगल भी मेरे साथ थे, वो लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढने गए। भारत, क्या हुआ बेटा? भारत बेटा क्या हुआ? अभी लाया। आया, अभी लाया।
अरे अरे लो बेटा पानी। कितने आदमियों ने इस कुएं में दम तोड़ा होगा कि सारा पानी लाल हो गया। भारत कहां है वो वैश्य जिन्हें जंग का शौक है, कहां है वो भेड़िए जो इंसानी खून के प्यासे है, कहां है वो? अगर आज वो मेरे सामने आए तो मैं उनसे कहूं कि आओ, अगर रब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो डूब जाओ इसमें और बुझा लो अपनी प्यास। बेटा इंसान चांद की तरफ जा रहा है और इंसानियत इस कुएं के पानी की तरह होती जा रही है। पानी बेटा मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। लानत है तुझ पर कमीने, जो मर जाए लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं और तू मरने के बाद भी उन्हें लूट रहा है। बेचारी नई नई सुहागन थी, खुद मर गई, सुहाग भी यहीं कहीं मरा पड़ा होगा। तब मंगल सूत्र उतार भी लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू तो पागल हो गया मलंग, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। जीबें भर ले, बहुत सी कीमती चीजें हैं यहाँ। हाँ, बहुत सी कीमती चीज है। एक कीमती चीज और भी है, चल उसे गांव ले चले। कौन सी चीज? भारत। भारत? हाँ, बेचारा बुरी तरह जख्मी पड़ा है, चल उसे उठाकर गांव ले चले। ये नेक काम कर ले तो तेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, समझा? कहाँ है भारत? कुएं के पास। तो चलो वहां चल, मैं कहीं से भी पानी लेकर आता हूं। पहचाना मुझे? कंस मामा। कंस तो कृष्ण को नहीं मार सका, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख ऐसे। Thank you.
जानता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है।